रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में काफी सारे रिफॉर्म्स ला रहे थे, और इन रिफॉर्म्स को लेकर जो कॉमन मैन है इंडिया के, उनका क्या रिएक्शन रहा, उस चीज को लेकर ये सेक्शन है। द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऐसा सोचते थे कि इंडियन सोसाइटी जो है उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, उसमें काफी सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। तो चेंजेस लाने के लिए क्या किया गया, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द मैरिज ऑफ विडोज। तो उस टाइम पे क्या था, सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा क्या होती है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी मैरिड मैन की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ उसकी जो वाइफ होती है वो भी उसके चिता के साथ ही जल जाया करती थी, तो वो सती प्रथा होती थी। बट जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया, लॉज पास किए ताकि इस प्रथा को रोका जाए, और जो विडोज हैं, जो ऐसी औरतें हैं जिनके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसी औरतों की वापस से मैरिज को एनकरेज किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली एजुकेशन है, मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, तो उन्होंने अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश की ताकि वो लोगों को अपने हिसाब से ढाल सकें, ताकि अगर लोगों को इंग्लिश आएगी तो वो उनके काम आ सकेंगे। तो मेनली जो इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। तो 1830 के बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे एक तरीके से, उनको फ्रीली काम करने की आज़ादी जो है वो दे दी गई कि मतलब तुम जैसे भी मर्जी काम करना चाहते हो अपने एरिया में वैसे करो। साथ साथ उनको ज़मीनें ओन करने का हक जो है वो भी दे दिया गया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो लैंड भी ओन कर सकती हैं, प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती हैं, मतलब अपने लेवल पे, ताकि वो अपना खर्चा वगैरह निकाल सके और अपने तरीके से काम कर सके। तो फ्रीडम देने के लिए इन्हें काफी सारे राइट्स दिए गए। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। इसी तरीके से चेंजेस जो हो रहे थे उन्हीं चेंजेस में से एक लॉ ऐसा भी पास किया गया जिसमें कि क्रिश्चियनिटी को, जो क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट हो रहे थे, उसको काफी ज्यादा आसान कर दिया गया। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह थे, ये लोग मेनली क्या कर रहे थे, ये लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि वो अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन बन जाएं। तो क्रिश्चियनिटी में जो लोग चेंज हो रहे थे उस पूरे प्रोसेस को इन लोगों ने और ज्यादा आसान बना दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर पाए। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। तो इजी बनाया गया, बट कैसे बनाया गया कि जो कुछ पहले चीजें बहुत ज्यादा सख्त थी, कठोर थी, उनको थोड़ा अब रिलैक्स कर दिया गया कि जो इंडियन कन्वर्ट होगा क्रिश्चियनिटी में वो अपने एंसेस्टर की, मतलब अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। मतलब कि अगर उसके पापा के पास कोई जमीन थी तो क्रिश्चियनिटी में बदलने के बाद वो अपने पापा की जो जमीन है उसको ले सकता है, ओन कर सकता है। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन्स। तो जो आम आदमी था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे रिलीजन को, हमारे सेंटीमेंट्स को, हमारे कल्चर को, ट्रेडिशंस को, उन्हें बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें पूरे तरीके से खराब कर रहे हैं। और जो कि वो कर भी रहे थे, जैसा कि उनकी जो ट्रेडिशंस थे, जिस तरीके से वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना काफी आसान हो जाए, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो भी इसी तरीके की बातें पढ़ाती थी कि तुम्हारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो तुम पे हटा दी जाएंगी अगर तुम अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ, और अपनी बैड प्रैक्टिसेस, मतलब अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है उन्हें छोड़ दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों को ये महसूस होने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो ट्रेडिशनल वेज हैं जीने के लाइफ को, उन सबको वो धीरे धीरे करके खराब कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वॉन्टेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि इंडिया में चलने वाली प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते थे। जैसे कुछ खराब प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रथा, इसको हम एक सही जो प्रैक्टिस है वो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो विमेन है वो अपने पति के साथ ही मर जा रही है, तो ये कुछ सही तो है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सच में खराब थी, तो उन चीजों को काफी सारे लोग चेंज करना चाहते थे। सो इन सब चेंजेस के बारे में कि क्या रिफॉर्म्स आए और कौन कौन ऐसे इंडियन रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने काफी फोकस किया इंडियन सोसाइटी में चेंज करने के लिए, इस सब के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे। बट हाँ, इस सेक्शन में हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो धीरे धीरे करके इंडिया में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोगों को अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे थे, बट लोगों को ये धीरे धीरे समझ आने लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें एकदम से तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, हमारे जीने के तरीके को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि इंडियंस एकदम उनके तरीके से जिए, वो ऐसा सोचते थे कि इंडियंस को सिविलाइज करने की जरूरत है,
इंडियन जो है वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। तो वो इंडियन को सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे जो इंडियंस के पुराने तरीके से जीने के वेज थे उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, और लोगों को ये महसूस हुआ, और उसके खिलाफ वो धीरे धीरे करके आवाज उठाने भी लग गए।